हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। अभी हम लोग फ्रैंकफर्ट के डाउनटाउन एरिया में आए हुए हैं। सो वहाँ पे वीडियो की शूटिंग चल रही है। शिल्पा, कौन सा था वो कल्चर, जर्मन कल्चर शॉक वाला वीडियो बना रहे हैं और एक एक्सपेंसेस का वीडियो बनाया है। और ये एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब एशबोर्न से काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी नया सा बिल्ड भी लग रहा है और अपार्टमेंट्स वगैरह भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और थोड़ा सा इंग्लैंड से भी आई डोंट नो सम हाउ रिजेम्बलेंस दे रहा है, वो रेड वाली ब्रिक्स है ना। हाँ, वो जैसी कोलोन में भी देखी थी अपन ने। और हम लोग घर से निकले थे तो हमारा प्लान था कि कल्चर शॉक और एक्सपेंसेस का वीडियो बनाएंगे, तो एक्सपेंसेस वाले वीडियो में बात हुई थी कि सचिन और मैं मिलके बनाएंगे। हाँ। फिर बनाते बनाते मैं ही बोलती गई पटर पटर और मैंने ही पूरा बना डाला, तो सचिन ने कहा मैं इतना तैयार हो गया था, नहीं मैंने पहनी और मैंने शेव भी किया, तो अब मैं व्लॉग करूंगा। शिल्पा वो इसमें महारत हासिल है शिल्पा को। तो द थिंग इज, मैंने ऐसा बोला कि एक और वीडियो भी बना सकते हैं, क्योंकि ये वाला भी जो यू नो सिटिविटी है, अभी हम लोग खाना वाना खाने जाएंगे वो भी दिखा देंगे, तो और फिर इंडियन स्टोर भी जाना है वो भी दिखा सकते हैं। जैसे ये एरिया एक तो काफी अच्छा था, तो मेन तो हमको यही था कि इस एरिया पे व्लॉग बना लेते हैं, और फिर जैसे आज हम इंडियन रेस्टोरेंट भी जाने वाले हैं और इंडियन स्टोर भी जाने वाले, तो हमने सोचा कि थोड़ा ग्रोसरी का एक्सपीरियंस भी दिखा देंगे। और फिर जैसे यहाँ पे अगर इंडियन रेस्टोरेंट में आप खाने जाते हो तो किस टाइप का खाना मिलता है, क्या प्राइस वगैरह रहती है, तो वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर हो जाए, इसलिए हम व्लॉग बना रहे हैं। सचिन को बिल्कुल ये नहीं था कि मैं अच्छे से बाल बना के आया। दस मिनट का बढ़िया रीजनिंग दे दी शिल्पा ने, पूरा एकदम यू नो जैसे एग्जाम में कोई आता है कि हाँ व्हाई यू वांट टू डू दिस, उसका पूरा आंसर बेल दिया। मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ तो मुझे पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने आते हैं। आप वो मैथ साइंस वाले वो फॉर्मूला में करके और बस डन कर दो। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों वो वाला एक एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे अपने सबके एग्जाम्स होते ही हैं, तो मेरे को ऐसी आदत थी कि जैसे सीरियल वाइज क्वेश्चंस करने की, तो उसमें मेरे को एक क्वेश्चन आ नहीं रहा था, कोई तो एक एग्जाम था इंजीनियरिंग का, तो मैंने ना दो पेज छोड़ दिए क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली उसका दो पेज का आंसर था। मुझे लगा चल बाद में देखेंगे, बाद में मेरे पास हाफ एन आवर बच गया। आप मानोगे नहीं, उस क्वेश्चन का मैंने पूरे के पूरे दो पेज फिल करके आया हूँ, और फिर मैंने जब मेरे एग्जाम्स में मार्क्स देखे थे उस सब्जेक्ट के, पूरे में से पूरे देखे, और मुझे शुरू में उसकी कोई हवा नहीं लग रही थी। तो कई बार ऐसा होता है कि यू नो इन द बिगिनिंग यू डोंट नो, बट देन यू स्टार्ट राइटिंग, फिर आपको पूरा का पूरा आने लगता है। जैसे अभी वीडियो शुरू करने से पहले हमको नहीं पता था हम क्या बोलने वाले, लेकिन अभी 5 मिनट से हम लगातार बोले जा रहे हैं, तो अभी और ज्यादा बोर नहीं करते हैं। यहाँ पे लोकेलिटी आपको दिख गई होगी, काफी अच्छी है। अब चलते हैं, पहले ग्रोसरी करनी है और उसके बाद में चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाने, बहुत एक्साइटेड है। तो ये यहाँ पे किसी ने अपनी कबर्ड्स और कुछ ड्रॉवर्स हैं वो डिसमेंटल करके छोड़ दिए हैं, तो ये बेसिकली उन्होंने छोड़ा है कि अगर पब्लिक में से किसी को भी अगर ये सामान अच्छा लगता है तो वो लेके जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जैसे आप अगर घूमते फिरते आपको अगर कुछ ऐसे अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है तो आप लेके जा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब लग रहा है कि आज की शूटिंग पूरी अपनी फिनिश हो गई है, दो वीडियो निपटा दिए शिल्पा ने खटाखट खटाखट एकदम लगातार। शिल्पा आज वाले वीडियो में मुझे कमेंट भी आ रहे हैं नॉनस्टॉप, आप बोलती हाँ। जाती हो शिल्पा का मतलब ये काफी काफी सही है कि एक बार चालू करती है और कोई टॉपिक अगर दिमाग में रहता है तो काफी करो। तो अभी चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट और वहाँ कुछ खाना वाना देखते हैं। बाकी और रेस्टोरेंट तो जाने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि वही है कि इंडियन तो इंडियन ही खाना होता है, और वो स्ट्रीट भी ना थोड़ी अलग सी स्ट्रीट है, तो वो भी वो वाली नहीं, वो तो पैरेलल स्ट्रीट है, उसी में है, लेकिन वो इंडियन स्टोर नहीं, तुम कंफ्यूज हो रही हो। वो जो मेन स्ट्रीट है ना फ्रैंकफर्ट हॉफबनहॉफ के जस्ट सामने वाली, वो स्ट्रीट नहीं है, उसमें सीधा जाओ, एकदम बढ़िया, वहाँ तो गोल्ड वोल्ड की दुकानें हैं, थोड़ा बहुत ऐसे घूम लेंगे मतलब ऐसे। और वहाँ कोई एक ना पैरेलल स्ट्रीट जाती है, वो थोड़ी सी शेडी सी स्ट्रीट है, उसके बारे में कह रही है शिल्पा। तो वो कभी सस्पेंस बना के रखा था, अजीब सी स्ट्रीट है वो, दिखाएंगे ये वाला शेडी सी स्ट्रीट है, तो वहाँ अगर टाइम मिला तो जाएंगे, बाकी वो कोई ज्यादा ऐसे इंप्रेसिव जगह नहीं है, तो वहाँ स्किप भी कर सकते हैं। डिफरेंट साइड ऑफ जर्मनी, यू नो डार्क साइड ऑफ जर्मनी, तो वो देख लेंगे, और इंडियन स्टोर से कुछ एक दो सामान लेना वो ले लेंगे। और ये पीछे मेरा शॉपिंग का पैकेट आया हुआ, ये भी रिटर्न करना है, तो ये भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ जो काफी अलग है इंडिया से, कि जैसे इंडिया में तो डिलीवरी अगर रिटर्न करनी होती है तो घर से आके ले जाते हैं भैया, यहाँ पे खुद छोड़ के आना पड़ता है। यहाँ पे वही है, मैन पावर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती रहती हूँ और जो मुझे रिटर्न करना होता है वो मैं दे देती हूँ कि रिटर्न करके आ जाओ। सारे डब्बे दे दिया करो, वो ज्यादा सही रहेगा, सभी दे दूंगा। चलो फिर गाइस, चलो भूख लग रही है, चलिए फिर चलते हैं। और अभी यहाँ से कितना दूर दिखा रहा है शिल्पा? 240 मीटर ही दिखा रहा है। 240 मीटर? हाँ। आ गई पपड़ी चाट, इंतजार कर रही है क्या फिर? हाँ। तो ये एरिया ऐसा कुछ दिखता है, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा सा शेकी हो गया होगा। सो यहाँ शायद स्ट्रेट जाके लेफ्ट होगा। हाँ। ये पूरा एकदम जो फ्रैंकफर्ट का मेन जो सिटी सेंटर आप बोल सकते हो, यहीं पे सामने ही वो है, यहाँ से जैसे आप लेफ्ट ले लोगे इधर तो मेन जो फ्रैंकफर्ट का ट्रेन स्टेशन है वो है हॉफबनहॉफ, और ये मतलब यहाँ पे पूरी जैसे ईटिंग प्लेसेस और वो सब हैं। ये गाड़ी क्या धांसू गाड़ी खड़ी है, इसका कोई वीडियो बनाए तो बात होए।
हैं? आई थिंक ये मायबाख वाली गाड़ी है मर्सिडीज की। तो आप लोग बहुत ज़्यादा हमें कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या इन देशों में भी गंदगी है, गरीबी है, तो मुझे नहीं पता जो मैंने आपको अभी दिखाया उसको एग्जैक्टली गरीबी बोल सकते हैं क्या, बट हाँ जैसे आपने देखा कि इन सब देशों का ये एक तरह से आप डार्क साइड बोल सकते हो कि जो हम आपको हमेशा एक खूबसूरत और जो सफाई वाला साइड दिखाते हैं जर्मनी का, आप लोग के बहुत सारे कॉमेंट्स ये भी आते हैं कि सब इन देशों में इतने अमीर ही होते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है, हर जैसे सिक्के के दो पहलू बोलते हैं तो इन सब देशों में भी वो सब चीज़ें हैं। और बाकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सब नहीं शूट करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही शूट किया बस आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि ये भी यहाँ की एक सच्चाई है। थोड़ा सामान, लेकिन वही है कि अगर इंडियन स्टोर जाते हो तो कुछ ना कुछ ज़्यादा सामान आ ही जाता है, तो सारा सामान ले लिया। और इंडियन रेस्टोरेंट सामने वाली साइड ही है, सो आई थिंक ये एक दो मिनट का, वो अंकल जी को ना बीच से जाना ज़रूरी था तो एक दो मिनट का ही रास्ता है यहाँ से, फिर वहीं चलते हैं। आ जाओ फिर इंडियन स्टोर चलिए अपन। तो वो जो आप सामने ये वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ये है फ्रैंकफर्ट का मेन ट्रेन स्टेशन, और फिर बस उसी के सामने आके और ये है पूरी एकदम स्ट्रीट है, एकदम काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइवली है। इधर ही वो है इंडियन स्टोर जो है जहाँ से हम लेके आए, और इधर है हमारा जो हमको रेस्टोरेंट पे जाना है। तो हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में और सबसे पहले हमने ऑर्डर किया है पापड़ी चाट, क्योंकि यही खाने का मन था सबसे ज़्यादा। तो अब खाती हूँ और फिर खा के बताती हूँ कैसी है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, काफ़ी अच्छी है, दिखने में राज कचौरी जैसी लग रही है बट है पापड़ी चाट। तो पापड़ी चाट हम लोगों ने चटकार दी है, अब आ गया है कढ़ाई पनीर। तो यहाँ पे जैसे जर्मनी में ना यूजुअली ऑप्शन होता है कि सब्जी के साथ में राइस कॉम्प्लीमेंट्री ही आता है, बट यहाँ पे ये चीज़ अच्छी लगी हमको कि राइस के अलावा उन्होंने ऑप्शन दिया कि अगर आपको जैसे नान लेनी है तो आप नान भी ले सकते हो, तो इसलिए हमारी दो नान भी आ गई हैं। तो खाना हमने खा लिया है, उसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश थी चीज़ केक, चाय चीज़ केक। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी तो मैंने ऑर्डर किया और एक बाइट मैंने ऑलरेडी ले ली, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। इसमें ऐसे सिनेमन का और ऐसे चाय का बहुत ऐसे अच्छा अच्छा फ्लेवर है, और साथ में ये जो हम लोग बचपन में ऐसे खाने के बाद में खाते हैं ना वो वाली चीज़ भी है, काफ़ी यम्मी है, मस्ट ट्राई। तो डिनर हो गया है, खाना काफ़ी अच्छा था और चीज़ केक भी काफ़ी अच्छा था, पपड़ी चाट खा के सबसे ज़्यादा मज़ा आया। अब हम लोग जल्दी जल्दी चल के और जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमारे पास में कितना टाइम है, 10 मिनट है ना सिर्फ? नहीं, 10 से तो थोड़े ज़्यादा हैं। हाँ, क्योंकि हमने 2 घंटे की पार्किंग ली थी और अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो 2 यूरो एक्स्ट्रा लग जाएंगे जो कि हम बिल्कुल नहीं देंगे तो इसलिए चलो जल्दी। और ये स्ट्रीट पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, जैसे ये सेंट्रल ग्रिल है, फिर यहाँ पे ये कबाब के हैं, मेक्सिकन वगैरह हैं, तो आपको जो भी कुजीन खानी है वो मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तो आज का मतलब ऐसे दोपहर में निकले थे और अब ऑलमोस्ट रात हो गई है, अंधेरा नहीं हो रहा है इसलिए पता नहीं चलेगा, बट 9 बज गए हैं। हाँ, 9 बज गए हैं तो, लेकिन काफ़ी प्रोडक्टिव डे रहा, मतलब बहुत सारी रीलें बनाई। पुलिस की गाड़ी आ रही है, भागो भागो, वी जस्ट गेट जे वॉकिंग, पुलिस आ रही है अभी। हमारा आने के बाद में रेड हुआ क्या?
नहीं ग्रीन था पहले, अच्छा तो। हाँ पहले ग्रीन हुआ, बट हम लोग जब मिड रोड पे आए तब वो रेड हो गया और सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, बट कोई बात नहीं, जब हम रोड पे जाने लगे तो ग्रीन था गाइस। हाँ, अच्छा जस्टिफाई किया। मैं क्या कह रही थी, काफी प्रोडक्टिव देता, बहुत सारे रील्स बनाए, वीडियोस बनाए, तो कैसे रहता है ना, मंडे टू फ्राइडे अगर ऑफिस में काम अच्छा रहता है तो ऐसा लगता है हाँ प्रोडक्टिव देता, और सैटरडे संडे को अगर वीडियो अच्छे से बन जाए, अगर वीडियो अच्छे से एडिटिंग हो जाए, तो फिर ऐसा लगता है हाँ काफी प्रोडक्टिव रहा। तो हमने मैनेज कर लिया 4 यूरो के अंदर 2 घंटे की पार्किंग। इसमें यही होता है अगर 1 मिनट भी आप ऊपर हो जाओ, जो कि हमारे साथ काफी बार होता है। आई थिंक आज अपन पहली या दूसरी बार ही प्लान करके आए हैं कि यार 8 बजे से या 9 बजे से पहले पहले पहुंच जाते। अक्सर हम लोग ना 2 मिनट 5 मिनट ऊपर पहुंच जाते हैं। एक एक दो दो मिनट की वजह से 2-2, 3-3 यूरो देने पड़े। कितनी बार मशीन की तरफ चलते चलते ऐसा हो गया कि 3 यूरो लगे, और ऐसा नहीं कि हर जगह पे 2 यूरो ही पार्किंग है। सो सस्ती पार्किंग है, 2 यूरो 2 यूरो नहीं तो 2.5-3 यूरो 4 यूरो तक भी ले देते हैं कहीं की बार। सो इट्स लाइक बट ऐसे लग रहा है जैसे शाम के कोई 5:30 टाइप्स बजे होंगे। तो रात दिन ही चलता रहता है कंस्ट्रक्शन। ऑटोबान पे कभी भी चले जाओ, कोई से भी चले जाओ, पता नहीं इनको रोड तोड़ के फिर से नहीं बनाते अंदर भी। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है इनको थोड़ा ना इंडिया भेज देना चाहिए कि यार थोड़ा काम वहां भी कर लो हमारे यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स को भी वैसा है क्या कि बार बार कंस्ट्रक्शन करते रहो और ना पैसे हटते रहो। वो तो वही फंडा है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर को तो काम ही चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कभी भी देख लो कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता ही रहता है। दोनों फ्रैंकफर्ट को जर्मनी का मैनहट्टन भी बोलते हैं। है? Yes, yes. लेकिन ये हर चीज को ऐसे कंपेयर क्यों करना होता है कि ये जर्मनी का मुंबई है, ये जर्मनी का मैनहट्टन है, ये जर्मनी का फ्रैंकफर्ट क्यों नहीं हो सकता? जैसे आप सचिन हो, सचिन ही रहोगे ना, सचिन तेंदुलकर थोड़ी हो, मैं शिल्पा शेट्टी थोड़ी हूँ, आप सचिन मैं शिल्पा। ये पता है गाइस, ये जब क्या होता है आपके पास कोई बात नहीं होती ना तब ऐसी बातें निकलती हैं। तो शिल्पा ने खाना आई थिंक थोड़ा ज्यादा खा लिया है तो अब बातों की हवा हो रही है। मैं तो कह रहा था वो काइजर स्ट्रासे जो है उसके ऊपर आई थिंक काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, लाइन से लगे हैं, गोल्ड की भी दुकानें हैं। हाँ, सोना मिलता है। एक बार शिल्पा बोली देख के आते हैं, मैंने बोला बस देख के आना फिर आ जाना वापस। ये आ गया फिर से वही मेन ट्रेन स्टेशन, ये बड़ा स्टेशन है यहाँ पे। पेरिस के लिए ले लो आप, एम्स्टरडेम के लिए ले लो, बर्लिन के लिए ले लो, सब जगह के लिए हाई स्पीड ट्रेन अवेलेबल है। पेरिस वेरिस आपको यहाँ से 3-4 घंटे में पहुंचा देंगी। मैंने भी यहाँ से बहुत ट्रेनें ली जब मैं हाइडलबर्ग से फ्रैंकफर्ट ट्रैवल करती थी, ये मेरा रोज का ठिकाना था। शिल्पा आती थी इधर से एकदम धीरे धीरे करके, वो इंडियन रेस्टोरेंट वाली स्ट्रीट पूरा आपको हमने दिखा दिया है फ्रैंकफर्ट। और वो वहां पे उतनी सारी वो टैक्सियां वगैरह खड़ी हैं, मोस्टली सारी मर्सिडीज की हैं। आपको पता है फन फैक्ट, जर्मनी में सबसे ज्यादा टैक्सीज मर्सिडीज की हैं। मर्सिडीज हाँ? अब तो मुंह खोलने से पहले डर लगता है। अब तुम्हें खुदा न खास्ता ऊपर वाले को हाथ जोड़ जोड़ के आराम से नाम बोलने चाहिए, ऐसे BMW नहीं बोलना चाहिए, BMW यू नो ऐसे बोलना चाहिए। मर्सिडीज एंड फॉक्स वैगन नहीं, जर्मन में फॉक्स वैगन गाइस, मर्सिडीज एंड फॉक्सवैगन, आई डोंट नो, मुझसे ना हमसे ना हो पाएगा ये जीवन में, तो शायद ना हो पाएगा। और ये वाली बिल्डिंग देखो कितनी अमेजिंग है, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और इसमें मतलब लोग ऐसे इसके यहाँ पे आओ तो बस फरारी और जैगवार यही सब गाड़ियाँ लेके निकल रहे होते हैं। इसके अपार्टमेंट ही बहुत महंगे हैं, इसमें आई थिंक 1 मिलियन यूरो से नीचे तो कुछ है ही नहीं। रेंट भी यहाँ पे कितना ज्यादा होगा? रेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, रेंट कोई देता होगा तो 2000-2500 यूरो के आसपास देता होगा। रेंट मैंने देखा नहीं है बट अपार्टमेंट्स की कॉस्ट इसमें काफी ज्यादा है। और ये BMW मर्सिडीज। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो देखना अच्छा लगा हो। और बाकी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप लोग सच में बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, आप इतने वीडियोस देखते हो, हम सीरियसली बहुत ज़्यादा, हम लोग ऐसे हर वीडियो में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो नहीं पाते हैं, बट वी आर रियली रियली वेरी थैंकफुल, है ना सचिन? हाँ जी एकदम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यार, इतना मतलब सपोर्ट करते हैं, सारे के सारे यू नो कमेंट्स करते हैं जैसे शिल्पा ने बोला, सो थैंक यू सो मच गाइस। So thank you so much. Yeah, it really, really means a lot. And please ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ जी, जो भी आपके सवाल हो वो कमेंट्स में पूछो, चाहे जर्मनी के रिगार्डिंग हो, स्टडीज के रिगार्डिंग हो, हम लोग कोशिश करेंगे हर एक जवाब को आंसर करने की।
हाँ, कई की बार हम लोग थोड़ा बिजी हो जाते हैं शेड्यूल में, तो कमेंट्स कई की बार मिस हो जाते हैं। बाकी हम हमेशा ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट कमेंट्स के रिप्लाई करवा दें। मैसेजेस के भी हम ट्राई करते हैं, बट देन मैसेजेस बहुत ज्यादा आते हैं तो वो हो नहीं पाते हैं। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, और हम मिलते हैं हमारे आगे के वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।